सुखदेव साई आज सभी एसपी की क्लास लगाने वाले, यानी कि कानून व्यवस्था को लेकर आज एक बड़ी बैठक। गृहमंत्री विजय शर्मा शामिल होंगे इस बैठक में। सभी जिलों के प्रमुखों को बुलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक शामिल होने वाले हैं। कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध की समीक्षा होगी। इस अपराध के अंकुश के लिए आप क्या कर रहे हैं ये पूछा जाएगा मुख्यमंत्री की तरफ से। नशे के विरुद्ध जो कार्रवाई करनी है वो कहां तक पहुंची है, ये तमाम चीजें चर्चा का विषय रहेंगी। सहयोगी तनु वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। तनु, कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सख्ती मुख्यमंत्री की तरफ से, क्या कुछ हो सकता है आज की इस बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए सारी सरकार बनने के बाद सभी एसपी और आईजी रेंज की आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है और नया रायपुर के पुलिस मुख्यालय में सीएम साई की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इस बैठक में गृहमंत्री विजय शर्मा भी जो है वो मौजूद रहेंगे और इस बैठक का मुख्य एजेंडा क्राइम और नशा है। इस बैठक में कानून व्यवस्था और बढ़ते आपराधिक घटनाओं की जो है समीक्षा की जाएगी, क्योंकि 2022 में देश में हत्या, लूट और दुष्कर्म के मामले में छत्तीसगढ़ जो है छठवें स्थान पर रहा है। ऐसे में इस बैठक में महिला सुरक्षा, हत्या, लूट और दुष्कर्म पर कैसे रोक लगाया जाए, इन सभी तमाम विषयों पर जो है चर्चा की जाएगी, समीक्षा होगी। कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए और उसमें कसावट लाने के लिए सीएम साय के द्वारा सभी 33 जिलों के एसपी और आईजी को जो है दिशा निर्देश दिए जाएंगे और इन तमाम मुद्दों पर आज जो पुलिस मुख्यालय में ये जो है वो बैठक होने वाली। जी चलिए, कुल मिलाकर यहां पर भी अधिकारियों के जवाब पर नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका तनु, जानकारी साझा करने के लिए। राजधानी भोपाल का जिक्र करेंगे। आज कांग्रेस की बैठक यहां पर होने वाली है। प्रदेश कार्यालय में बैठक होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जो है वो स्पष्ट की जानी है कि भाई क्या हो रहा है रणनीति के तौर पर। राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तैयारियों पर भी बातचीत होने वाली है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी खुद शामिल रहे। सहयोगी वासु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वासु, कांग्रेस में भी मंथन का दौर और बहुत जरूरी भी संगठनात्मक लिहाज से। वासु, निश्चित तौर पर देखिए कांग्रेस को लोकसभा के चुनाव में बड़ी लड़ाई लड़नी है। पीएम मोदी का चेहरा है, भाजपा का मजबूत संगठन है और विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए वो कांग्रेस के अनुकूल बिल्कुल नहीं रहे। कांग्रेस के दावे के एकदम विपरीत परिणाम जो है वो पार्टी को फेस करने पड़े। उसके बाद कांग्रेस की नई टीम मध्य प्रदेश में बनी है। हालांकि पीसीसी का गठन तो नहीं हुआ है लेकिन अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जो है वो बदल दिए गए हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष कितने दमखम के साथ पार्टी को चुनावी मैदान में ले जा पाते हैं और कितने अच्छे नतीजे जो है वो कांग्रेस के लिए मध्यप्रदेश की 29 सीटों पर निकलकर सामने आते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस में लगातार बैठकों का मंथन का दौर जारी है और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्यप्रदेश पहुंचने वाली है उसको लेकर कांग्रेस की जो उम्मीदें हैं वो काफी ज्यादा हैं। राहुल गांधी भले ही कांग्रेस के अभी अध्यक्ष नहीं है लेकिन फिर भी उन्हें कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता जो है वो माना जाता है और कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी मध्यप्रदेश आ रहे हैं तो पॉलिटिकल माइलेज बड़े पैमाने पर उससे कांग्रेस को मिल सके। इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा की भी जो तैयारियां है वो कांग्रेस की ओर से लगातार की जा रही है। बहरहाल देखना होगा यात्रा से आस है। अब ये देखने वाली बात कि संगठन अपने आप में क्या बदलाव करता है इसे लेकर। बहुत शुक्रिया आपका वासु, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। डबरा का जिक्र कर लेते हैं। गैंगरेप केस में एक और बड़ा अपडेट। नाबालिग किशोरी ने घटना को नकार दिया है। किशोरी ने पुलिस में बयान दर्ज करवाए हैं। पढ़ाई, घरेलू विवाद के चलते डिप्रेशन में थी किशोरी। संतुलन बिगड़ने से खुद पुल से नीचे गिरी थी, ये जानकारी खुद दी गई है। सही कि सुशील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, नया मोड़ कहानी में क्या कहा गया है? बिल्कुल, देखिए 29 जनवरी की ये पूरी घटना हुई थी जहां डबरा में जो 15 साल की नाबालिग किशोरी है उसने पुल से गिरने के बाद दो लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। एक उसके साथी कोचिंग में पढ़ने वाला छात्र था, दूसरा एक उसके मकान मालिक का विरोधी था। इन दोनों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही थी लेकिन उसमें न्यूज़ 18 ने करीब सप्ताह भर पहले भी इस घटना के बाद ये बताया था कि किस तरह से ये घटना संदिग्ध नज़र आ रही है और अब उस पर जो है किशोरी के जो बयान दर्ज हुए हैं उसमें पुलिस ने मोहर लगा दी है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि ये जो घटना है इसमें किशोरी ने बयान दर्ज कराया उसके मुताबिक ना तो किशोरी का अपहरण हुआ था, ना उसके साथ गैंगरेप हुआ है, ना ही उसको पुल से फेंका गया था। किशोरी खुद डिप्रेशन में थी, पारिवारिक विवाद और पढ़ाई की परेशानी के चलते वो खुद सुसाइड करने के चलते वहाँ पहुँची थी और उसके बाद जो है संतुलन बिगड़ने के चलते वो पुल से खुद गिरी थी। पुलिस में जानकारी ये भी आई है कि जो नाबालिग किशोरी का मकान मालिक है दामोदर, वो इस घटना की साजिश रचने के पीछे पूरा मास्टरमाइंड निकला है। उसी ने और इसीलिए बयान से पलटने में कई बार दबाव की आशंका भी पैदा होती है सुशील,
चलिए, बहुत जरूरी कि पुलिस की तरफ से कुछ कहा जाए। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।